डिंडोरी में पुलिस प्रशासन उस वक्त हैरान हो गया जब उन्हें पता चला कि जिन लाशों के सड़क पर पड़े होने की उन्हें शिकायत मिली है वो कुत्ते के पिल्लों की लाश है। दरअसल एक शिकायतकर्ता द्वारा फर्जी कॉल के जरिए पुलिस को सूचना दी गई थी कि उसके बच्चों की लाश सड़क पर पड़ी है, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि शिकायतकर्ता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसने सड़क पर पड़ी दो कुत्ते के बच्चों की लाश को अपने बच्चों की लाश बताकर फोन किया था। डायल 100 और 181 लोगों की सहायता के लिए बनी है, लेकिन कभी कभी लोग इनका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरे प्रशासन को परेशान होना पड़ता है। जब रहंगी गांव के एक युवक ने डायल 100 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी कि सड़क पर उसके बच्चों की लाश पड़ी है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई और लाशों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। और जब पुलिस कॉल की जांच करके शिकायतकर्ता तक पहुंची तो पुलिस को जांच में पता चला कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस वजह से उसने गलत सूचना दी थी। सड़क पर बच्चों की नहीं बल्कि कुत्ते के दो बच्चों की लाश पड़ी थी। यही नहीं, युवक ने सिर्फ डायल 100 पर ही फोन नहीं किया बल्कि 181 CM हेल्पलाइन में भी बच्चों की लाश की शिकायत की थी, जिसके बाद घटना के स्पष्ट होते ही युवक को थाने ले जाकर पूछताछ की गई। ग्राम रहेंगे से एक सुरेंद्र बघेल नाम के व्यक्ति ने 100 नंबर पे, 181 पे और 108 में फोन लगाया कि उनके ग्राम में दो बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी सूचना पर पुलिस बल को जल्द मौके पर रवाना किया गया। मौके पर पहुंचने पर यह जानकारी मिली कि उसने वहाँ पर हमें रोड के किनारे दो कुत्ते के बच्चे मृत अवस्था में पड़े हुए मिले। उससे पूछताछ पर जानकारी मिली कि उसने ऐसी जानकारी दिया था कि कुत्ते के बच्चे के बारे में हमें नहीं बताया था, बल्कि ये कहा था कि दो बच्चे मरे पड़े हुए हैं एक्सीडेंट से। इस प्रकार से पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी जब प्राप्त हुई तो कि उसने गलत उद्देश्य से और पुलिस को भ्रम में डालने के उद्देश्य से गलत सूचना प्रसारित किया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।